एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत टूट कर गिर पड़े हैं। बादशाह ने एक मुफस्सिर यानी ताबीर बताने वाले को बुलवा कर उसे अपना ख्वाब सुनाया। मुफस्सिर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इसकी ताबीर ये बनती है कि आपके सारे घर वाले आपके सामने मरेंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने मुफस्सिर को कत्ल कर दिया। एक और मुफस्सिर को बुलवाया गया, बादशाह ने उसको अपना ख्वाब सुनाया। मुफस्सिर ने कहा, बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो, ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आप माशाल्लाह अपने घर वालों में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह ने खुश होकर मुफस्सिर को इनाम और इकराम देकर रुखसत किया। क्या इस बात का यही मतलब नहीं बनता कि अगर बादशाह अपने घर वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएगा तो उसके सारे घर वाले उसके सामने ही वफात पाएंगे? जी, मतलब तो यही बनता है, मगर बात बात में और अल्फाज में फ़र्क है। आपका बोला गया एक एक लफ्ज़ किसी दूसरे के लिए मरहम भी बन सकता है और ज़ख्म भी दे सकता है। आपके लफ्ज़ों का चुनाव आपको सोच समझ कर करना चाहिए। यही लफ्ज़ होते हैं जो आपको अर्श तक ले जाते हैं, और यही लफ्ज़ होते हैं जो आपको लोगों की नज़रों से गिरा देते हैं। आप अगर अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर अंदाज में करें, जैसे बादशाह को एक ताबीर बताने वाले ने कहा कि आपके तमाम घर वाले आपके सामने मरेंगे, उन अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया कि ये क्या कह रहा है। चुनाचे बादशाह ने उसको कत्ल कर दिया। और दूसरे मुफस्सिर ने बादशाह सलामत से ये कहा कि बादशाह सलामत, आप सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएंगे अपने घर वालों में। बात दोनों का मफहूम, दोनों बातों का मतलब, दोनों बातों की कहानी एक ही है। यानी बादशाह सलामत अगर सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएंगे, इसका मतलब तो सेम है कि तमाम लोग उनसे पहले वफात पा जाएंगे। मकसद सेम, बात का मफहूम सेम, बातों का नतीजा सेम, लेकिन अल्फाज के चुनाव ने एक बंदे को इनाम और इकराम से नवाज दिया, अल्फाज के चुनाव ने दूसरे बंदे को सूली पर चढ़ा दिया। तो आज आपको जो बातें समझाने वाली है ना इस वीडियो में, वो सबसे ज़्यादा ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अल्फाज के चुनाव पर कभी गौर नहीं करते। हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हमारे बोले हुए लफ्ज़ों से न जाने अगले बंदे को क्या तकलीफ़ पहुँचे। शायद हमारे बोले हुए लफ्ज़ों से अगले बंदे का दिल टूट जाए, शायद हमारे बोले हुए लफ्ज़ों से अगले बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो, हमने कभी ये नहीं सोचा। शायद हमारे बोले गए लफ्ज़ों से अगले बंदे को सुकून मिल सकता है, शायद हमारे बोले गए लफ्ज़ों से अगले बंदे को शायद दिली तौर पर सुकून के साथ साथ वो राहत और इत्मीनान मिले जो वो चाहता है। लेकिन अगर आपके मफहूम से हटकर कोई भी लफ्ज़ दूसरे को तकलीफ देता है, तो हमें उन सब बातों पर ख़ुद को गौर करना होगा ताकि हम वो अल्फाज बोलें जो सुनने में भी अच्छे लगते हों और दूसरे को बिल्कुल तकलीफ़ ना पहुंचे। तो अल्फाज का चुनाव हमेशा अच्छे अंदाज में कीजिएगा, यही अल्फाज आपको मुआशरे का अक्कास बनाते हैं, यही अल्फाज आपको दुनिया में एक लाजवाब और बेमिसाल बनाते हैं।